जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 7 जून 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एक, 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, ये जो आयोजन किया गया पटियाला, कहाँ पर किया गया? दोस्तों, ये आयोजन किया गया पटियाला के अंदर। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स, राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स दोस्तों 60वीं का आयोजन किया गया पटियाला के अंदर दोस्तों। और आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, नेशनल स्कूल यूथ गेम्स, नेशनल स्कूल यूथ गेम्स दोस्तों फर्स्ट कहां पर हुआ था? फर्स्ट हुआ था दिल्ली में। सेकंड कहां पे हुआ दोस्तों? सेकंड हुआ था पुणे में, पुणे। थर्ड कहाँ पे हुआ दोस्तों? थर्ड हुआ गुवाहाटी में। और दोस्तों फोर्थ कहाँ पर हुआ? फोर्थ हुआ हरियाणा, पंचकुला में, हरियाणा पंचकुला में। तो दोस्तों ये जो आपको बताया मैंने, ये कौन से गेम्स थे? नेशनल स्कूल यूथ गेम्स थे दोस्तों। और दोस्तों आगे, और जैसे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोस्तों, ये पहले दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन ये कोविड की वजह से कहाँ पर ट्रांसफर हो गई है? यूनाइटेड अरब अमीरात में दोस्तों ये ट्रांसफर हो गई। इसमें भारत ने 15 पदक पाकर के, कितने 15 पदक हासिल किए, और भारत तीसरे नंबर पर रहा दोस्तों। इसमें भारत ने 2 गोल्ड मेडल पाए हैं, कितने 2 गोल्ड मेडल पाए। टोटल इसके 15 पदक हो गए, और टोटल रैंकिंग में भारत का नंबर तीसरे नंबर पे रहा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं तो यूनिवर्सिटी गेम कौन से? यूनिवर्सिटी गेम के दोस्तों कहाँ पर हुए थे? ये फर्स्ट हुआ था दोस्तों ओडिशा, फर्स्ट हुआ था ओडिशा। सेकंड दोस्तों 2021 में होगा सेकंड। ये यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों कहाँ पर होंगे? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर होंगे? कर्नाटक के अंदर। अगर आपको मेरी राइटिंग पता नहीं लग रही है तो वीडियो पॉज करके आप आराम से देख करके लिख सकते हो, सुन करके लिख सकते हो। जैसे दोबारा मैं आपको बताता हूँ, नेशनल स्कूल यूथ गेम्स फर्स्ट हुआ दोस्तों दिल्ली में, सेकंड हुआ पुणे में, थर्ड हुआ गुवाहाटी में, फोर्थ हुआ पंचकुला में। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोस्तों ये दिल्ली में होने वाली थी, कोविड की वजह से दिल्ली में कैंसिल होकर दोस्तों कहाँ पर हुई? यूएई के अंदर हुई। इसमें भारत ने 2 गोल्ड मेडल पाए, 15 टोटल 15 पदक पाए दोस्तों, और भारत का टोटल रैंकिंग रैंक रहा दोस्तों तीसरे नंबर पे। यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम हुए थे उड़ीसा के अंदर, सेकंड हुए दोस्तों कर्नाटक में। सेकंड कहाँ पर हुए दोस्तों? कर्नाटक में। तो ये सब दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था नेत्रा कुमनन का संबंध किससे दोस्तों? नेत्रा कुमनन, ध्यान रखो, नेत्रा नेत्रा कुमनन का संबंध कौन से खेल से दोस्तों? ये है नाविका, सेलर, यन, यन से ध्यान रखो। नेत्रा नाविका, नेत्रा नाविका ध्यान रखो, इनका संबंध दोस्तों। पहली भारतीय महिला, ये पहली भारतीय महिला जिनका टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ दोस्तों, कौन है? मतलब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है, पहली भारतीय महिला है दोस्तों ये। भवानी सिंह दोस्तों कौन सी है? भवानी सिंह, भवानी सिंह दोस्तों तलवारबाजी में, किसने? तलवारबाजी में भवानी सिंह दोस्तों। नेक्स्ट, और एक चीज बताई थी मैंने आपको, घुड़सवार, टोक्यो ओलंपिक क्लियर करने वाली महिला कौन दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली महिला कौन है दोस्तों? ये है पहली महिला फावद मिर्जा। कौन दोस्तों? फावद मिर्जा, ये जो है टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली महिला। और दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन किए हुए और निर्मित किए हुए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्या कहाँ से सेवा मुक्त किया गया था? दोस्तों जो ये आईएनएस
संध्याक जो है दोस्तों, इसको भारत में ही निर्मित किया गया दोस्तों। और दोस्तों ये कहाँ पर इसको सेवा मुक्त किया गया दोस्तों, इसको सेवा मुक्त किया गया विशाखापट्टनम से, इसको सेवा मुक्त किया गया 1981 में दोस्तों। ये सेवा में आया था 40 वर्षों के बाद दोस्तों इसको अभी सेवा से मुक्त कर दिया गया दोस्तों। दोस्तों जो कौन सा टाइगर ट्रंप, जो टाइगर ट्रंप दोस्तों एक्सरसाइज हुई थी, कौन सी टाइगर ट्रंप जो मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तों किसके बीच में हुई थी, ये होती है अमेरिका और भारत के बीच में होती दोस्तों। कौन सी टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज दोस्तों किसके बीच में होती है, अमेरिका और भारत के बीच में होती है। उस समय दोस्तों ये जहाज INS संध्याग इसको यूज किया गया था दोस्तों, और 2021 में दोस्तों इसको क्या कर दिया, डीकमीशन कर दिया दोस्तों। इसका काम था दोस्तों हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना, जैसे समुद्र के अंदर सर्वेक्षण करना दोस्तों इसका काम था। हाल ही में कुछ दिन पहले INS राजपूत, कौन सा दोस्तों INS राजपूत, इसको भी दोस्तों डिस्ट्रॉयर कर दिया दोस्तों। ये कब, 1980 में दोस्तों ये सेवा में आया था, और 2021 में इसको सेना सेवा मुक्त कर दे दोस्तों। ये INS राजपूत कहाँ का बना हुआ दोस्तों, ये बना हुआ था रूस का, कहाँ का बना हुआ था, ये रूस का बना हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 जून 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है दोस्तों। अभी 4 जून को दोस्तों कुछ आंकड़े जारी हुई है, तो उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं दोस्तों। रेपो रेट 4% बिल्कुल सही है। रिवर्स रेपो रेट दोस्तों 3.35% बिल्कुल सही है। बैंक दर दोस्तों 4.25%, यहाँ पर थोड़ा गलत हो दोस्तों, 4.25% लिखना था, गलत हो गया 4.25%। तो दोस्तों इसमें जो है ये उपर्युक्त सभी दोस्तों बिल्कुल सही है, सबके सब दोस्तों बिल्कुल सही है, ये 4.25 दोस्तों। दोस्तों मौद्रिक नीति समीक्षा में ये तीनों भी आंकड़े बिल्कुल दोस्तों, जैसे रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर 4.25%, दोस्तों इसको पक्का ध्यान रखना है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, ये होता है RBI का गवर्नर दोस्तों। कौन होता है RBI का गवर्नर दोस्तों, RBI का गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों, RBI का गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। क्या है दोस्तों, शक्तिकांत दास जो है RBI के गवर्नर दोस्तों। RBI की स्थापना कब हुई थी, RBI की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके ये कौन से आयोग की सिफारिश पर दोस्तों RBI बनाता, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर बनाता दोस्तों RBI बनाता। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष थे ऑसबर्न स्मिथ। कौन दोस्तों, ऑसबर्न स्मिथ जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। और अभी लेटेस्ट कौन दोस्तों, शक्तिकांत दास जो है इसके RBI के गवर्नर। RBI के जो लोगो है दोस्तों उसके अंदर कौन सा पेड़ दोस्तों, तो उसके अंदर पेड़ कौन सा है, उसके अंदर दोस्तों ताड़ का पेड़ है उसके अंदर, RBI के लोगो के अंदर दोस्तों। इसी के साथ में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों मनाया जाता है 7 जून को, आज मनाते दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों, ये 7 जून को मनाते हैं। और इसको कब से लागू कर दिया दोस्तों, 2018 से इसको मनाना शुरू कर दिया। इसकी जो दोस्तों इस साल की थीम जो है वह है स्वस्थ कल के लिए स्वस्थ भोजन आवश्यक, स्वस्थ कल के लिए स्वस्थ भोजन आवश्यक, ये इसकी दोस्तों 2021 की थीम है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
2 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान है दोस्तों? भारतीय पुरुष हॉकी टीम का दोस्तों स्थान कौन सा है? चौथा स्थान दोस्तों। कौन स्थान है? चौथा। तो पुरुष हॉकी में दोस्तों किसमें? पुरुष हॉकी में सबसे पहले नंबर पे दोस्तों बेल्जियम। कौन सा दोस्तों? बेल्जियम। भारत दोस्तों चौथे स्थान पर है इसमें भारत। और दोस्तों देखते हैं आगे महिलाओं में किसमें? महिलाओं में, महिला में दोस्तों फर्स्ट है नीदरलैंड। कौन दोस्तों? फर्स्ट है नीदरलैंड। और दोस्तों 9 नंबर पे है महिलाओं में इंडिया। कितने पे? 9 नंबर पे दोस्तों महिलाओं में इंडिया। और दोस्तों बेल्जियम की कैपिटल दोस्तों ब्रुसेल्स। और इसमें इसी बेल्जियम के, बेल्जियम में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का हेडक्वार्टर दोस्तों। बेल्जियम के अंदर नाटो का हेडक्वार्टर भी दोस्तों। पंजाब की जो मोहाली हॉकी स्टेडियम का क्या नाम है दोस्तों? मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था पंजाब का जो मोहाली में हॉकी स्टेडियम था उसका नाम क्या है? बलवीर सिंह सीनियर दोस्तों। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था बलवीर सिंह सीनियर जो है इसके कौन है? यहाँ पर मोहाली में जो हॉकी स्टेडियम है उसके नाम से दोस्तों। कौन? बलवीर सिंह सीनियर दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1948, 1952 और 1956 दोस्तों ये जो इन ईयर में दोस्तों जो भारतीय टीम को गोल्ड मिला दोस्तों उसके ये सदस्य थे दोस्तों। हॉकी प्लेयर दोस्तों, इंडियन हॉकी प्लेयर, इंडियन हॉकी टीम की महिला टीम के कैप्टन, कप्तान कौन दोस्तों? रानी रामपाल। कौन दोस्तों? रानी रामपाल। इंडियन महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल दोस्तों। 2020 में ही इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और ये फर्स्ट महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और दोस्तों उड़ीसा राउरकेला के अंदर जो बिरसा मुंडा स्टेडियम दोस्तों ये भी कौन स्टेडियम है? हॉकी का स्टेडियम है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। 3 जून 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया दोस्तों? ये थे मॉरिशस के। किसके थे दोस्तों? ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। इनका नाम क्या है? अनिरुद्ध जगन्नाथ दोस्तों इनका नाम था दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 4 जून 2021 को किस संघ शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए यूनिटैब योजना लॉन्च की दोस्तों? जो ये जो यूनिटैब योजना दोस्तों ये है लद्दाख ने जारी की गई दोस्तों। किसने जारी की है? लद्दाख ने जारी की दोस्तों। इस यूनिटैब योजना के तहत 12,300 टैब दोस्तों बांटे जाएंगे। कौन से? 12,300 टैब बांटे जाएंगे। लद्दाख ने और एक योजना की शुरुआत की दोस्तों, रीवा योजना। कौन सा? रीवा योजना। इस योजना के तहत जो भी कोचिंग लेने चाहते हैं तो उनके दोस्तों 1,00,000 रुपए की राशि मिलेंगी। किस कौन सी योजना के तहत? रीवा योजना के तहत दोस्तों। लद्दाख के बारे में दोस्तों और पता होना चाहिए। लद्दाख में सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों कौन सा? हेमिस, वो भी कहा लद्दाख में। लद्दाख टेरिटोरियल कब बना दोस्तों? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तब इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे दोस्तों? पहले इसके उपराज्यपाल थे राधा कृष्ण माथुर, जो है इसके पहले उपराज्यपाल थे। और दोस्तों पेंगोंग झील कहाँ पर है? पेंगोंग झील भी दोस्तों कहाँ पर? लद्दाख में है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जैसे इजराइल ने हेरोन ड्रोन भेजा दोस्तों कहाँ पर? जैसे लद्दाख में जो चीन चाइना की बॉर्डर वो लगती है वहां पर इनको तैनात किए जाएंगे हेरोन ड्रोन दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोरबैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी दोस्तों? कोरबैक्स वैक्सीन की निर्माता दोस्तों बायोलॉजिकल ई। कौन सी दोस्तों? ये जो बायोलॉजिकल ई है ये है कोरबैक्स, कोर्बेवैक्स वैक्सीन निर्माता कंपनी दोस्तों। इसके लिए 300 मिलियन दोस्तों ले इसको 300 मिलियन खुराक की एडवांस ऑर्डर इसको दी गई दोस्तों। और दोस्तों ये कंपनी कहाँ की है? हैदराबाद की दोस्तों ये कंपनी है। इससे पहले कुछ वैक्सीन मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था।
अगर भारत ने तीसरी लहर से बचना है दोस्तों तो लसीकरण करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास कोविशील्ड दोस्तों पूना सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया दोस्तों, कोविशील्ड कोवैक्सीन बनाया दोस्तों हमारी भारत बायोटेक हैदराबाद ने, रशिया ने बनाया दोस्तों स्पुतनिक फाइव वर्ल्ड की पहली वैक्सीन कोरोना के ऊपर स्पुतनिक फाइव दोस्तों। और ये सभी जितनी वैक्सीन मैंने बताया आपकी इन सब में दो दो डोज लेने पड़ेंगे, लेकिन रशिया ने एक सिंगल डोज की वैक्सीन बनाया दोस्तों, उसका नाम है स्पुतनिक लाइट। क्या है दोस्तों? स्पुतनिक लाइट उसका नाम है दोस्तों, जिसको खाली एक ही डोज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। आगे चलते हैं इससे रिलेटेड दोस्तों, कोवैक्स पल किसने कोवैक्स पल शुरू कर दी दोस्तों, कोवैक्स पल किसने शुरू कर दी थी? ये शुरू की थी WHO ने, और इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? पंजाब। DRDO ने दोस्तों और एक दवा का आविष्कार किया था, कौन सा दोस्तों? ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक दवा का आविष्कार किया दोस्तों, 2DG, किसे कौन से दोस्तों? 2DG। इसमें जल्दी जो कोरोना पीड़ित होता है दोस्तों जल्दी जल्दी रिकवर हो जाता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। 4 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये शुरू की है केरला ने। किसने शुरू किया दोस्तों? केरला ने शुरू किया दोस्तों। इसके तहत नॉलेज इकोनॉमी मिशन के दोस्तों इसके तहत नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए ये जो है दोस्तों और इससे ये योजना है केरल गवर्नमेंट ने शुरू कर दी। केरल के दोस्तों केरल के CM है दोस्तों पिनाराई विजयन, जो केरल के CM है, और मोहम्मद अरिफ खान दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं। और जो पिनाराई विजयन दोस्तों कौन से पार्टी के, पेपर में पक्का आ सकता है LDF, ध्यान रखो दोस्तों। केरल के जो चीफ मिनिस्टर दोस्तों कौन से पार्टी के? लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के दोस्तों, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और दोस्तों स्मार्ट किचन योजना दोस्तों किसने शुरू की थी? स्मार्ट किचन योजना दोस्तों शुरू की थी केरला ने ही स्मार्ट किचन योजना शुरू की थी केरला। अभी हाल ही में केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री का निधन हो गया दोस्तों, उनके नाम क्या था? उनका नाम तो दोस्तों गौरी अम्मा, उनका नाम क्या था दोस्तों? गौरी अम्मा उनका नाम था दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, 10 जून 2021 को किस देश ने लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना की मंजूरी दी दोस्तों? ये जो लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप बनाया जा रहा है दोस्तों, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? डेनमार्क में दोस्तों बनाया जा रहा है। कब तक ये पूरा होगा दोस्तों? 2070 तक ये द्वीप पूरा होगा दोस्तों। जो दोस्तों डेनमार्क कैपिटल दोस्तों कोपेनहेगन, डेनमार्क कैपिटल दोस्तों कोपेनहेगन दोस्तों। पानी की समुद्र की जो पानी है बढ़ने के कारण दोस्तों ये जो कोपेनहेगन, डर है कि कोपेनहेगन के समुद्र में ना डूब जाए, इसीलिए यहाँ पर एक कृत्रिम दोस्तों और एक द्वीप बनाया जा रहा है दोस्तों। और इस द्वीप के अंदर कितने लोग रह सकते दोस्तों? इसमें रह सकते हैं कम से कम 35,000 लोग दोस्तों इस द्वीप में रह सकते हैं। और ये द्वीप कब तक बनेगा दोस्तों? ये द्वीप बनेगा 2070 तक दोस्तों, ये द्वीप बनने की योजना है। डेनमार्क दोस्तों, डेनमार्क किस द्वीप पर स्थित दोस्तों? डेनमार्क जो है जेटलैंड द्वीप पर स्थित है दोस्तों। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपका सपना है कि आपने अपने बदम पे वर्दी पहनी दोस्तों, तो आपको लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर तहसील एवला डिस्ट्रिक्ट नासिक एक बेस्ट ऑप्शन दोस्तों। आपको इससे अच्छे एकेडमी दोस्तों फिर कहीं नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।